अटैक कर सकती हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अपना कारवा। अभी मैं हूँ बैंकॉक में, ये मेरा बेड है और ये संतोष भाई, ये मेरा फ्रेंड है जिसने मेरे को सिंगापुर से ज्वाइन किया है। भाई सिंगापुर में रहता है और सिंगापुर से मिलने आया है भाई थाईलैंड साथ में घूमने के लिए। तो इस ट्रिप में संतोष भाई घूमेंगे एक वीक साथ में हमारे। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं और हम तैयार होकर जाने वाले हैं यहाँ से। एक पार्क है, मैं बताता हूँ बाहर निकल के उसके बारे में। इस हॉस्टल में मेरे और संतोष भाई के अलावा कोई भी ट्रैवलर रुका नहीं हुआ है। और कल जब मैं यहाँ पे आया तो मैं पहुँच गया करीब मेरे ख्याल से 11-12 बजे होंगे। और फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई चेक इन करना है, कहते हैं भाई 2 बजे से पहले चेक इन होगा नहीं। फिर मैंने इनके सोफे पे ही अपना तकिया वकिया साइड किया, आराम से सो गया। और फिर भाई ऊपर आया और फिर देखा कि भाई हॉस्पिटल जैसा माहौल है पूरा। काफ़ी सुस्ती महसूस हो रही है भाई इस हॉस्टल में मेरे को, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे ये जितने भी ये पर्दे, ये जैसे हॉस्पिटल में पर्दे होते हैं उसी कलर भी वही है सेम। 20 minutes later चलते हैं यार, अब तैयार हो चुके हैं और नीचे की साइड जा रहे हैं, चेकआउट करते हैं फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे। बाहर आ चुके हैं, धूप हो रही है काफ़ी, कर करारी धूप है भाई। और ये लोकल मार्केट यहाँ पे लगी हुई है ऐसे, इधर थाई खाएगा इंडियन। अरे यार चल तू थाई खा फिर इंडियन खा लेंगे, कोई नहीं थाई बात है, एक्सप्लोर कर लेंगे शाम में। भाई थाई फूड संतोष भाई खाते हैं हमारे भाई, मैं तो जैसे देखता हूँ मेरे को तो महक से ही थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है भाई थाई फूड को। अच्छा थाई फूड लगे, एक तो बर्फ में रखा हुआ है तो काफी अच्छा ठंडा है भाई। इमिग्रेशन में बोलती है लाइन लगी हुई है पीछे ये थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। और यहाँ देखो भाई इंडियन रेस्टोरेंट देखो लाइन से, ये पीछे कोई टेस्ट ऑफ इंडिया, साइड में उधर मद्रास दरबार है, ये सांझा चूल्हा, गगन बांसुरी वाला भाई इसको देख के आपको लगेगा पूरा कि आप किसी इंडियन स्ट्रीट पे घूम रहे हो। और खाने की तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है थाई फूड इतना नहीं मिल रहा है जितना इंडियन फूड मिल रहा है। मतलब हर दूसरा रेस्टोरेंट इंडियन नज़र आ रहा है यहाँ पे। पराठा ऑर्डर किया है हमने थाईलैंड में आगे पराठे भाई। और पता है यहाँ पे जो पराठे मिलते हैं ना बिल्कुल जैसे अपने घर पे मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही पराठे, मतलब टेस्ट बिल्कुल सिमिलर। एक हम रात को कौन से रेस्टोरेंट में गए थे, हमने पराठे का एकदम जैसे मम्मी बनाती है ना हाथ से एकदम वैसे ही पराठे लगे। मतलब खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और इंडियन खाना तो बहुत है, हालांकि थोड़ा सा महंगा है, अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हो थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन मिल जाता है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये छोटी वाला रेस्टोरेंट है इसका नाम, जैसे इंडिया में भी शायद इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। इधर देखो बाहुबली चल रहा है भाई टीवी पे, जानता हूँ बजट ट्रैवलिंग नहीं है 70-80 baht का पराठा खा रहे हैं लेकिन कोई नहीं, अब एक दोस्त आया तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत एक आध दिन की बात है उसके बाद तो गरीबी आनी है अपने को वैसे भी। हाँ ये पनीर का पराठा, ये आलू का पराठा, भाई ने लस्सी ली है, ये छाछ है। तो अभी हम जो पार्क जा रहे हैं ना यार, उस पार्क में ऐसा है कि जैसे आपने अगर कोमोडो ड्रैगन देखे हो तो जैसे छिपकली टाइप होती है ना बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, तो वहाँ पे उस टाइप का एक लिजर्ड्स मिलती हैं बहुत सारी पार्क में, नॉर्मली वो घूमती रहती हैं। तो उसी पार्क की तरफ जा रहे हैं, 2 किलोमीटर के करीब का रास्ता है यहाँ से। बहुत गर्म मौसम है यहाँ पे, जैसे अपने दिल्ली में गर्मी पड़ रही है वैसे ही है, उमस हालांकि उतनी फील नहीं हो रही। और यहाँ पे एक कनाल है, यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहो तो। जैसे हम लोगों ने देखा था ना श्रीलंका में वैसे यहाँ पे भी लॉटरी का काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है। तो गाइज़ ये है 7-Eleven,
तो आप बैंकॉक में अगर घूम रहे हो कहीं भी तो 7-Eleven आपको लगभग हर जगह पे मिल जाएंगे, हर 1 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पे 7-Eleven होते हैं। सारी चीज़ें, पानी, खाना, थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे मिल जाती हैं, तो ये स्टोर काफ़ी यूज़फुल है। तो कभी भी बैंकॉक आओ और आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी इससे चलते हुए, कुछ खरीदना है, पानी खरीदना है या कुछ खरीदना है, क्योंकि हर थोड़ी दूर पर यहाँ पे एक 7-Eleven होता है। ले लिया, कितने कितना है मतलब पानी? 1.5 लीटर। चलो यहाँ पे देखो ड्रिंक कितने टाइप की है, सारी एनर्जी ड्रिंक। और ये जो रेडबुल दिख रही है ना, ये सबसे पुरानी रेडबुल है। मतलब जब आपको पता है कि रेडबुल जो है वो थाईलैंड में इन्वेंट हुई थी, और जो सबसे पहले रेडबुल आती थी ना वो इस टाइप की बॉटल्स में आती थी जो ये है। अब पार्क के पास पहुंच चुके हैं और पार्क के बाहर ना देखो इस टाइप की साइकिलें ऐसे रखी हुई हैं, ये साइकिलें हैं और ये मशीन है यहाँ पे। तो कोई कंपनी है जिसका आपको कार्ड बनवाना पड़ता है, वो यहाँ पे कार्ड आप लगाओ और फिर ये साइकिल अनलॉक कर सकते हो और फिर साइकिल लेके घूम सकते हो। काफ़ी कूल चीज़ है यार, अपने इंडिया में भी इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ये लगी हुई है साइकिल देखो, फिर वहाँ पर आप कार्ड वार्ड लगाओगे ना तो ये अनलॉक हो जाएगी, फिर आप इसको निकाल सकते हो। और ये डिलीशियस सो कॉल्ड थाई फूड, ये है सर साते। साते साते क्या है, क्या कौन सा मीट है? चिकन साते। चिकन साते, बहुत कम इंडियंस होते हैं जो कि थाई फूड पसंद करते हैं। तो आप लकीली उस भीड़ में आते हैं, वो अलग लीग है आप लोगों की। भाई ने कहा है तो एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, हो सकता है कि कुछ अपनी थिंकिंग चेंज हो जाए। और ये पार्क आ गए यार, पार्क काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। और सामने देखो कनाल वगैरह है, सब कुछ है, बस एक लिज़र्ड दिख जाए तो जो दिखाने लाया हूँ यार आप लोगों को, और खुद भी देखने आया हूँ यहाँ पे, लिज़र्ड देखने आया हूँ। यार लिज़र्ड दिख जाए तो सफल हो जाएगा अपना ये। बड़ी मेहनत की है भाई, 2.5-3 किलोमीटर यहाँ पे चल के आए हैं इतनी तेज़ धूप में। 80 बाट का हमने यहाँ से टिकट लिया है, यहाँ से पीछे ना ये टिकट वाला है बना हुआ, यहाँ से 80 बाट का टिकट लिया है। और 80 बाट के टिकट में अब हम ये बोट चला के थोड़ा सा कैनाल को एक्सप्लोर करेंगे। ये भाई भाई सब डीले हो रहे हैं भाई मामले, कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं है यहाँ। पानी कितना गंदा है, खाया हुआ बंदा भाई, क्या हो रहा है भाई बंदे के साथ। वर्थ 80 बाट यार, मैं ये कहूँगा 80 बाट तो वर्थ है। 80 रुपए का, 80 बाट का एक पराठा, मतलब समझो हमने सुबह का नाश्ता 590 बाट दिए थे यार। 2.3 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग उतना इंडियन रुपीज में होता है। तो बजट ट्रैवलर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, लेकिन अगर दोस्त आया सिंगापुर वाला और उसके पास पैसे हैं तो खर्च करवाओ। गाइस अभी एक लिज़र्ड और मिली है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी लिज़र्ड है, अभी दिखाता हूँ। तो ये जो लिज़र्ड होती है ना यार, ये मतलब नॉर्मली इन्हें एग्रेसिव माना नहीं जाता, कि मतलब ये लोग अटैक नहीं करती किसी बंदे पर, लेकिन अगर आप इनको छेड़ोगे ज़्यादा तो ये अटैक कर सकती हैं। और ये जो होती है ना, ये जो कोमोडो ड्रैगन्स होते हैं जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ओके, तो इंडोनेशिया में जो कोमोडो ड्रैगन्स होते हैं उन्हीं की फैमिली की मानी जाती हैं, और इनको कहते हैं मॉनिटर लिजर्ड्स। भाई इस पूरे पानी में कितनी लिजर्ड होंगी हमें मालूम भी नहीं है। ये देखो जी सर, वो तो सो रही थी, ये लिजर्ड देखो कितनी बड़ी लिजर्ड है ये वाली। सोचो यार, मतलब यहाँ इस टाइप का क्रिएचर ऐसे खुले में घूमता रहता है। और जैसे गर्मी है ना, तो गर्मी में जैसे एक कनाल है, इस कनाल के नीचे यहाँ पे छांव रहती है, तो छांव के नीचे ज़्यादातर आपको यहाँ पे लिजर्ड्स मिलेंगी, पानी में भी और इस तरीके से। भाई बहुत ज़्यादा
अलग सा एक्सपीरियंस है यार। हेलो, लिजर्ड्स डू दे अटैक? नो, नो अटैक। ओके भाई, बोट राइड खत्म हो गई। एक घंटे के करीब चला ली, लिजर्ड्स भी देख ली। देखो, एक लिजर्ड मेरे को अभी यहाँ पे दिखाई दिया, और दिखाता हूँ। पानी में चली गई लिजर्ड। भाई तो सोचो, इस तरीके से यहाँ पे पार्क में लिजर्ड घूमती हैं। कभी भी यार अगर आओ तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, ये एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है। तो अब अगर आप आते हो और इस टाइप से आपको लिजर्ड्स और ये अजीब अजीब क्रिएचर आपको देखने को मिल जाए, तो भाई गजब ही है। डू दे बाइट? लिजर्ड्स अटैक? नो, नो अटैक। तो ये लुम्फिनी पार्क है यहाँ पे बैंकॉक में। तो अगर आपका बैंकॉक आना हो तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आओ और लिजर्ड्स को बहुत करीब से देखो। और जैसे कि हमने लास्ट में देखा था हमने, कि मतलब हम मेरे पास जाते एकदम वो डर के ना अंदर पानी में घुस गई। तो वो अटैक नहीं करती हैं, लेकिन देखने में काफ़ी डेंजरस लगती हैं। तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है ये भी एक। और ये केवल आपको नॉर्मली साउथ ईस्ट एशिया में ही देखने को मिलेगा। तो बैंकॉक आओ तो ज़रूर देखना। खैर, अब बोटिंग कर ली, अब कहाँ चलना है भाई? करते हैं डिसाइड। तो हम डिसाइड करते हैं कि आगे कहाँ जाना है।